बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस दफ़ा सप्लीमेंट्री का अपना दाखिला भेजना था उनके लिए ऑनलाइन लिंक ओपन कर दिया गया है। ये मैंने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट ओपन की है जिसका वेब एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, BISELahore.com। ये आपने ओपन करना है। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको इस वक्त क्योंकि मैट्रिक के सप्ली का बता रही हूँ तो मैं एडमिशन फॉर SSC सप्ली पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज आ गए कि आपने किस एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। फुल अपीयर होना है, कंपार्ट हेड, मार्क्स इम्प्रूवमेंट, एडिशनल, सुन्नह शर्किया, सनवी आमा या अदर बोर्ड्स। अब मैं क्योंकि किसी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कराना चाह रही हूँ तो मैं कंपार्ट पे क्लिक करूँगी और उसने जो भी एग्ज़ाम का उसका रोल नंबर था 10th का वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। और प्रोसीड। ये एक बच्ची है जिसकी आप सब प्लीज़ देख सकते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी 9th में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में सप्ली है जिन सब्जेक्ट्स में 10th में सप्ली है, लेकिन इस बच्ची ने सिर्फ 10th क्लास के पेपर्स देने होंगे, 9th क्लास के नहीं। 10th क्लास के पेपर्स के जो मार्क्स होंगे उन्हीं की बेस पे इसको 9th क्लास के मार्क्स में मिल जाएंगे। फॉर्म में आपने क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्म में सिर्फ आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके फादर या गार्जियन है उनका फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्पेशलिटी में कि अगर कोई स्पेशल पर्सन तो नहीं है, ब्लाइंड डेफ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है वो एंटर करना है, और नीचे होम एड्रेस और प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दफ़ा जो आप एग्ज़ाम एरिया सेलेक्ट कर देंगे आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पे बनेगा और वहीं पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करके आपने सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ चलान फॉर्म पे करके और बोर्ड ऑफिस में जमा करा देना है। ये तरीका है किस तरह से आप अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।